फिलहाल बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास में अभी रिक्रूटमेंट है, जिसमें पटना सिटी और पटना कंकड़बाग मेन लोकेशंस है। राइट नाउ पटना सिटी और पटना कंकड़बाग लोकेशंस में टोटल 25 कैंडिडेट्स का अभी भी रिक्वायरमेंट है। बाकी दरभंगा में 10 लोग चाहिए, दानापुर में 5 चाहिए और हाजीपुर में 5 चाहिए। राउंड फिगर में देखा जाए तो वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जस्ट मीन्स तभी हम आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आपसे मैं ही यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिहार में स्टेबल होना चाहते हैं तो इससे अच्छा चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये बिहार में सबसे अच्छा खासा सैलरी पैकेज वाला जॉब्स आपके लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मिनिमम रेंज देखूँ तो 18,000 से 27,000 रुपीज़ तक अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा काम कैसे करना है, कैसे काम नहीं करना है, वो सारा कुछ हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो हायरिंग्स चल रहे हैं, ये फ्लिपकार्ट लार्ज के लिए हायरिंग चल रहा है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट लार्ज के लिए हायरिंग चल रहा है, लोकेशन इसका जो है इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पे इंस्टाकार्ट सर्विस कंपनी है, तो इंस्टाकार्ट सर्विस कंपनी में जो अभी चलेगा ये हायरिंग लार्ज के लिए। देखो लार्ज अलग होता है, वेयर हाउस अलग होता है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अलग होता है, तो ये वेयर हाउस से बहुत अलग है लार्ज। लार्ज में जो पार्सल आते हैं वो रुकते नहीं है, वो डिलीवरी करने के लिए ही आते हैं और डिलीवर करने के लिए ही होते हैं। बाकी वेयर हाउस में सामान स्टॉक भी होता है, लेकिन लार्ज में कोई भी सामान स्टॉक नहीं होता है। ऑल राइट, यहाँ पे पटना में 10, कंकड़बाग में 15, दरभंगा में 10, दानापुर में 5, हाजीपुर में 5, ओनली फॉर लोकल कैंडिडेट अप्लाई तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लोकेशन है उससे लोकल कैंडिडेट, जो हब का लोकेशन है उससे 10 किलोमीटर के अंदर की दूरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पटना में जो पहुँचते हैं मुजफ्फरपुर हाजीपुर से, आप बस का टिकट लेकर के कहते हैं कि बस का पैसा लगा करके आया हूँ इतना दूर से, आपको कौन बोला आने के लिए? यहाँ पे जो बोला है जिस डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट होगा उसी डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट एलिजिबल होगा। और एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, राउंड फिगर में देखा जाए जो लोकल रूट है उसका यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया, प्रायोरिटी दिया गया है। अगर पटना कंकड़बाग में जॉब है तो पटना कंकड़बाग का कैंडिडेट ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि कंकड़बाग जो हब है वहाँ से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस का दूरी होना चाहिए, उससे ज़्यादा का कैंडिडेट नहीं चलेगा। ये थोड़ा सा बाउंडेशन दिया गया, इसलिए बाउंडेशन दिया गया कि जो कैंडिडेट 15 किलोमीटर के अंदर में रहेगा उसको लोकल रूट का पता होगा, लोकल मतलब एरिया का पता होगा, वेल डेफिनेटली ये बेस्ट चांसेस होगा उनके लिए, क्योंकि लोकल रूट का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होने वाला है। सो राइट नाउ ओनली फॉर लोकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है कॉल कर सकते हैं, जो भी नंबर है डॉली मैडम का हमने प्रोवाइड कर दिया है। पोजीशंस है DE का है, वैन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का है। दरअसल वैन डिलीवरी में जो काम होता है ड्राइवर के साथ में बैठ के जाने होते हैं, पार्सल्स की डिलीवरी करने होते हैं और वापस भी ड्राइवर के साथ में बैठ के आने होते हैं। इनफैक्ट ये जो काम होता है ना ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ना तो आपको लोडिंग्स करना है ना ही अनलोडिंग्स करना है। वेयर हाउस के अंदर में तो इंसान टूट जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इनफैक्ट मैं बता दूँ इसमें लोडिंग अनलोडिंग का रेयरली काम नहीं होता है। इसमें जो होता है पार्सल की डिलीवरी करनी होती है, ड्राइवर के साथ में बैठ के जाने होते हैं, पार्सल का डिलीवरी करना होता है और वापस ड्राइवर के साथ में बैठ के आने होते हैं, यही सब होता है। पोजीशन इसका मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसका पर पार्सल मिलता है 30 रुपीज़ पर पार्सल मिलता है, और 30 रुपीज़ पर पार्सल मिलता है उस बेसिस के आधार पे कंपनी एक एस्टिमेटेड देती है कि 25 पार्सल से लेकर के 30 पार्सल के बीच में आएगा, मतलब 25 से 30 पार्सल आपको पर डे डिलीवर करना है। तो 25 पार्सल अगर डिलीवर करोगे तो 30 रुपये पर पार्सल है, यानी कि 750 रुपये पार्सल का होगा, मतलब 750 रुपये पर डे का होगा एक दिन का। अगर 25 पार्सल डिलीवर करते हो उस बेसिस के आधार पर, अगर 30 पार्सल डिलीवर करते हो तो 900 रुपीज़ होगा, यानी कि राउंड फिगर में देखें 900 मल्टीप्लीकेशन 30 राइट टू नाउ की 27,000 है। अगर इसको देखें कि 750 रुपीज़ पर डे का है तो 30 दिन से कैलकुलेट करोगे तो 21,000 प्लस होगा। इनफैक्ट यहाँ पे चीज़ों को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्निंग पोटेंशियल है, बट यहाँ पे जितना सुनने में आसान लगता है कि 25 पार्सल मैं रोज़ डिलीवर करूँगा, दैट्स मीन ये इतना इजी भी नहीं होता, रफली थोड़ा काम टफ होता है। तो ये चीज़ों को देखना, सोचना, समझना आपकी जिम्मेदारी है। तो ड्यूटी मॉर्निंग 7 बजे सुबह वेयर हाउस में पहुंचना ही पड़ेगा। इसमें ड्यूटी फिक्स नहीं होता कि हाँ भाई 8 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे की ड्यूटी है। हाँ, हो सकता है कि आप 8 घंटे में 25 पार्सल डिलीवर कर देते हो तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो यहाँ पे
पे ड्यूटी कोई फिक्स नहीं होता, 10 घंटे भी लगते हैं, 12 घंटे भी लगते हैं, 14 घंटे भी लगते हैं। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है बाइक एंड लाइसेंस नॉट रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन में मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास मिनिमम होना चाहिए, एज 18 से 39 साल है, सैलरी पैकेज बेस्ट है। एंड वेल टॉकिंग कर सकते हो, डॉली मैडम का नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, वेल चेक नाउ, आप चेक कर सकते हो एंड टॉक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।